कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये देखो मेरा भाई भागा जा रहा है, घुस गया अंदर। लाइट लाओ। और अभी मैं पापा से अपना चाट मंगवाई हूँ, चाट खाऊंगी। तीखा खाने का मन कर रहा है क्योंकि कानपुर के तरफ, मेरे तरफ चाट नहीं मिलता है। तो हम लोग यूपी के साइड चाट कोई खास नहीं मिलता, अच्छा नहीं, कोई मतलब कुछ मतलब अलग तरीके से चाट मिलता है। आ गया, ओ आ गई, ये देखिए आ गया चाट, तो मैं खाऊंगी। और भाभी अभी जा रही हूँ सबको देने के लिए, क्योंकि यूपी के तरफ ना मतलब चाट जो होता है ना बिल्कुल मतलब अलग तरीके से देता है, जो कि हमको पसंद नहीं आता है। वहाँ का चाट नहीं पसंद आता है और यहाँ का चाट पसंद आता है। और सब चिल्लर पार्टी सब खाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। इतने सारे देखिए मेरे घर में कितने बच्चे हैं, ये देख लो। आज सबसे छोटा बच्चा आगे वहाँ है। और अब मैं खाऊंगी, भाभी अभी डालने गई है चाट। तो शाम का टाइम है और टाइम हो रहा है 6 बज रहा है, तो इसीलिए भी गरम गरम खाऊंगी। पापा लिया है। और मैं एक चीज़ से मिलाती हूँ, मैं आपको नहीं मिलाई थी। इस घर का एक और सदस्य मम्मी का छोटा है बच्चा, मिष्टी है। मिष्टी से मैं मिलाती हूँ आपको। तो बता, हाथ मिलाएंगे इसको, हाथ मिलाएंगे। तो आप देख चुके होंगे कि मैंने मिष्टी से मिल ली, मैं आपको मिष्टी से मिला चुकी हूँ। और बहुत समझदार है, क्या बहुत समझदार है, वो बच्चों को काटता नहीं है। अगर कोई बच्चा अगर मतलब भैया क्या करते हैं कि अगर उसको बाहर जाने के लिए कहते हैं तो इतना तेज वो भौंकता है कि मतलब उसको आप क्यों जाने को कह रहे हैं। तो इसीलिए बहुत समझदार है। तो चलिए देखते हैं, अब खाऊंगी चाट। तो भाभी निकल रहा है जान करते हैं चाट खाने के लिए। क्या हुआ रे, रो रहा है ये, क्यों रो रहे आ रहे साइड करो। ये देखिए कैसे, ये देखो इसे बहुत स्पेस यहाँ मिला है, बहुत अच्छा से मतलब खेलता है वह यहाँ पे। और मैं अब जा रही हूँ ऊपर दिखाती हूँ। अभी जाने नहीं देगा क्योंकि बाबू जब देख लेगा ना तो काफ़ी तेज रोने लगता है। और ये देखिए पेड़ पौधे ये सब लगे हुए हैं, हरा हरा सब, फूल वगैरह का है सब कुछ। और मैं अब आ गई हूँ ऊपर, और ऊपर मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का नज़ारा। तो यहाँ का नज़ारा देखने के लिए सबसे पहले मैं उस छत के उस साइड आई हूँ। ये देखिए, ये कैसे फील्ड टाइप का ही है, चौर टाइप का, मतलब इसको कुछ भी आप कह सकते हैं। इसका जूम करके मैं दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ मतलब चारों तरफ, ये देखिए ये है। शाम का टाइम है, तो शाम का टाइम में आपको मालूम ही होगा कि बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि दोपहर में थोड़ा सा वैसा लगता है लेकिन शाम का टाइम में बहुत अच्छा लगता है। और ये सब गिट्टी वगैरह रखा हुआ है क्योंकि ऊपर में भी बनेगा, तो इसी कारण गिट्टी रखा हुआ है। और ये तो छत का नीचे का, जो मैं आपको कल दिखाई थी गाइस, ये नीचे का है। और देखिए सूरज जी बिल्कुल छत बिल्कुल अब मतलब अब डूबने वाले हैं, आज सूर्य ग्रहण भी है ना, तो इसी कारण। और अब मैं यहाँ से आपको दिखाती हूँ
बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये आ रही हूँ। देखो यहाँ, ये देखो ये ईटा जो आप देख रहे हैं, ये ईटा रखा हुआ है क्योंकि ये ऊपर में बनेगा, इसी कारण ईटा रखा हुआ है गाइस। और अब मैं चलती हूँ नीचे क्योंकि मेरा चाट निकल के तैयार है, भाभी निकाल के रखी हैं और भाभी बुला भी रही हैं खाने को, तो अब मैं खाऊंगी फिर बताऊंगी आपसे। देखिए बच्चे को मिल चुका है खाने के लिए, बच्चे रेडी हैं। देखो देखो अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर का, देख आ चुके हैं आपको। और अब मैं जा रही हूँ, जा जा आ रही, क्या कर रहे हो? हाय राम, हाँ यहाँ है, ये देखो क्या कर रहा है अरविंद, खिलो। तो चलिए बैठ के खाया जाता है, अब खाते हैं, खाकर देखते हैं कैसा चाट बना है गाइस। बहुत तीखा, बहुत ही अच्छा है। यहाँ का चाट बिहार का चाट बोला जाए फेमस है, यहाँ का चाट बहुत अच्छा चाट है। और ये गांव का चाट तो जानते हैं, गांव में कोई भी चीज़ बहुत ही मतलब सब चीज़ समझिए ताज़ी रहती है, वैसे ही ताज़ी है और बहुत टेस्टी है। देखिए कच्चा कच्चा मिर्चा भी है, कच्चा मिर्चा भी है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए आज का वीडियो का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए गाइस।